सगाल कुन सेवा जोहर। तो चलिए सगा जन, आज मोतीरावन कंगाली जी का योगदान के बारे में जान लेते हैं। गोंड परंपरा, संस्कृति और साहित्य के विकास में डॉक्टर मोतीरावन कंगाली जी का योगदान। डॉक्टर मोतीरावन कंगाली जी गोंडी भाषा, साहित्य, संस्कृति और धर्म के अध्येता रहे। उनके गहन शोधों के कारण भारत की गैर आर्य संस्कृति और परंपराओं को लेकर आज नई समझ बनी है। इनके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं सूर्यवाली डॉक्टर मोतीरावन कंगाली। 2 फरवरी 1949 से 30 अक्टूबर 2015 पर विशेष। भारत की जनजातीय का इतिहास बहुत ही प्राचीन रहा है। जितनी प्राचीन ये जनजातियाँ रही हैं, उतनी ही प्राचीन उनकी भाषा और संस्कृति भी रही है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत कोयमुरी द्वीप में रहने वाले समूहों को कोयतूर और उनकी भाषाओं भाषा समूहों को कोयब भाषा और उनकी संस्कृति और जीवन जीने की प्रकृति आधारित सामाजिक व्यवस्था को कोयापुनेम कहा जाता था। जैसे जैसे ये कोयतूर समूह विदेशी आतताइयों के और आक्रमणकारियों के संपर्क में आते गए, वैसे वैसी उनकी भाषा संस्कृति बाहर से आए लोगों की भाषा और संस्कृति से प्रभावित होने लगी। कालांतर में वही कोयतूर विभिन्न जातियों और धर्मों में बांट गए और आज कई जातियों के रूप में बिखरे हुए मिलते हैं। लेकिन अभी भी कुछ जनजातियां इस भारत देश के घने जंगलों और पहाड़ों में अपनी प्राचीनतम संस्कृति और भाषा को बचाए हुए हैं। वहीं अनेक जनजातियां भौगोलिक अलगावों के कारण अलग अलग क्षेत्रों में सीमित हो गए और अपनी ही शाखा के कोयतूरों से अलग भाषा और संस्कृति अपना जीवन यापन करने लगी। परंतु हजारों साल के अलगाव के बाद आज भी विभिन्न कोयतूर संस्कृतियों में एक रूपता देखी जा सकती है। मध्य भारत में एक ऐसी ही जनजाति गोंड है जो आज तक की सबसे विकसित जनजाति के रूप में जानी और पहचानी जाती है। इस जनजाति ने कोया भाषा और अपनी कोयतूर संस्कृति को सहेज रखा है। लिखित रूप में ना सही प्रचलन और व्यवहार, रहन सहन, भाषा बोली, तीज त्यौहार इत्यादि के रूप में आज भी कोयापुनेम को संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन पिछले 500 सालों में इस देश की उनकी भाषा, संस्कृति, धर्म पर गहरा आघात पहुंचा और धीरे धीरे इन जनजातियों के लोग विभिन्न कारणों से हिंदू, इस्लाम, ईसाई धर्म अपनाने लगे और अपने मूल धर्म कोयापुनेम से दूर होने लगे। बची खुची जनजातीय आबादी अपने सीमित साधनों में जीवन यापन तक ही सीमित रह गई और शिक्षा के अभाव में अपने सांस्कृतिक और भाषाई धरोहर को लिखित रूप में नहीं संजो सकी। यही कारण था कि जनजातियों की आबादी कम होती गई और इनके अधिकार सीमित कर दिए गए। आज़ादी के बाद गोंडी भाषा और धर्म ही कोयमुरी, कोयतूर, कोया और कोयापुनेम के प्रतीक रूप में बचा हुआ रह गया। गोंडों की विद्वता, वीरता, संपन्नता और विकसित होने के कारण, लेकिन आज़ादी के बाद सरकार की उपेक्षा के कारण गोंडी धर्म सभी खतरे में आ गए और इनके अस्तित्व पर ही संकट आन पड़ी, क्योंकि गोंडवाना राज्य को विभिन्न भाषाई राज्यों में बांट कर खत्म कर दिया गया और गोंडी भाषा को किसी भी तरह की मान्यता न देकर स्वतः मरने पर छोड़ दिया गया। पूरा गोंडवाना अन्य धर्मों की संस्कृतियों की चपेट में आ गया और इसी समय जन्म होता है एक ऐसे महान विद्वान और लेखक का जिसने लगभग मृत पाय भाषा, संस्कृति और धर्म में जान फूंकी। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है तिरुमाल मोतीरावन कंगाली, जिनके योगदान के लिए आज संपूर्ण गोंडवाना उन्हें अपने आचार्य और लिंगो मानता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे महान लेखक, इतिहासकार, विद्वान, भाषाविद से गोंडी भाषी के बाहर के बुद्धिजीवी लगभग अपरिचित है। इस लेख में आचार्य मोतीरावन कंगाली जी के जीवन और उनके योगदान के बारे में आम जनमानस को बताने का प्रयास किया गया है। प्रारंभिक जीवन। आचार्य तिरुमाल मोतीरावन कंगाली जी का जन्म 2 फरवरी 1949 को महाराष्ट्र नागपुर जिले के रामटेक तहसील के दुलारा नामक ग्राम में हुआ था। उनका जन्म स्थान नागपुर सिवनी राज्य मार्ग पर नागपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर देवला पार के निकट भांडेर के जंगलों में स्थित है। उनका जन्म एक गोंड समुदाय के टिकराजी कंगाली दादा के परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम दाई रहतार कंगाली और पिता का नाम दाऊ छतीराम कंगाली था।
इनके पिताजी ने प्यार से इनका नाम मोतीराम रखा था। पांच भाई बहनों में से मोतीराम सबसे बड़े थे। आपके दो छोटे भाई और दो बहनें भी थी। दोनों भाई अभी भी गांव में रहते हैं और खेतीबाड़ी का काम करते हैं। गोंडी गोत्र व्यवस्था के अनुसार कंगाली जी परिवार सात देव येरवेन वाला है। इनके घर में बचपन से ही गोंडी बोलचाल की भाषा थी, इसलिए आपकी मातृभाषा भी गोंडी ही थी। बालक मोतीराम की प्रारंभिक शिक्षा गांव के निकट ही प्राथमिक पाठशाला करवाही में हुई, जहां पर उन्होंने चौथी कक्षा तक पढ़ाई की। आपकी माध्यमिक शिक्षा पाँचवीं से आठवीं तक आंगल पूर्व माध्यमिक विद्यालय बोथिया पालोरा से हुई, जो आपके गांव दुलारा से 18 किलोमीटर दूर था, इसलिए वहीं से हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना शुरू की। आपने आठवीं की बोर्ड परीक्षा 1966 में उत्तीर्ण की। इसके बाद नौवीं की पढ़ाई करने वे रामटेक तहसील चले गए। इसके बाद नागपुर में हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया और वहीं से 1968 में आपने दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 1972 में धर्मपेठ महाविद्यालय नागपुर में स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अगले कुछ वर्षों में आपने पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट नागपुर में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और भाषा शास्त्र में परास्नातक अर्थात MA परीक्षा उत्तीर्ण की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सन 2000 में आपको PhD की उपाधि मिली, जिसका विषय था द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ ट्राइबल कल्चर वैल्यूज पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ गोंड ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया। वर्ष 1976 में 27 वर्ष की उम्र में आपका चयन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नागपुर टकसाल में नोट एंड करेंसी एग्जामिनर के पद पर हुआ। सरकारी नौकरी में आने के बाद आपका विवाह रातड़ कुमारी चंद्रलेखा रूप सिंह पुसाम से संपन्न हुआ। आपकी तीन बेटियां हैं, जिनके नाम श्रृंखला कंगाली, वेरुंजली कंगाली, विंती कंगाली है। श्रृंखला IAS अधिकारी है और विंती नेत्र चिकित्सक है। इन दोनों का विवाह हो चुका है। मंजली बेटी वेरुंजली ने भी मराठी साहित्य में MPhil किया है और वर्तमान में ये नागपुर में रहकर जॉब कर रही हैं और माँ के कार्यों में हाथ बटाती हैं। बचपन से आप पढ़ने लिखने में मेधावी और हमेशा अध्ययन करने रहने का शौक था। एक शोधार्थी के रूप में आपने भाषा विज्ञान का अध्ययन करते हुए गोंडी भाषा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया और बहुत सारे पुस्तकें गोंडी भाषा को सीखने और पढ़ने पढ़ाने के लिए आम जनमानस को उपलब्ध करवाईं। गोंडी भाषा के पुनर्जीवन, संरक्षण, संवर्धन, विकास के लिए उनके योगदान को कोयतूर समाज वर्षों तक याद रखेगा। आपने गोंडी भाषा को देवनागरी में लिखकर आम लोगों तक पहुंचा दिया और यही कारण है कि आज के युवाओं में गोंडी भाषा के प्रति रुचि बरकरार है और वे गोंडी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। गोंडों के अस्तित्व और उनकी पहचान के साथ साथ उनके सम्मान को भी वापस लाने के लिए भी आचार्य मोतीरावन कंगाली जी ने बहुत कार्य किए हैं। जिस तरह से गोंडों को हिंदू में शामिल करके उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान खत्म की गई थी, यह बात आचार्य मोतीरावन कंगाली जी को बहुत परेशान करती थी। लोगों को अपने को गोंड बताने में शर्म आती थी और लोग अपने बात व्यवहार, रहन सहन, गोंगो अर्थात पूजा अभिवादन, तीज त्यौहार में हिंदू समाज की नकल करने लगे थे। गोंडवाना सगा और गोंडवाना दर्शन पत्रिका में उनके लेखों को पढ़कर नागपुर और आसपास के लोगों में अपनी जाति और अस्मिता के प्रति सम्मान और गर्व का अनुभव होने लगा। लोग अभिवादन में राम राम, जय जय राम की जगह जय सेवा, जय गोंडवाना कहना शुरू कर दिए। यह बात 1980 के बाद की है। अमरावती के तिरुमाल वेंकटेश अतराम जंगोरातार नाम की एक पक्षिक पत्रिका निकालते थे, जिसमें तिरुमाल मोतीरावन कंगाली जी के लेख नियमित रूप से छपते रहते थे। धीरे धीरे उनके लेखों के माध्यम से उनकी पहचान नागपुर के मराठी भाषी क्षेत्रों से निकलकर पूरे गोंडवाना में होने लगी। विगत 40 वर्षों में गोंडवाना का गोंड समाज अपनी हिंदू वाली पहचान से बाहर आ रहा है और फिर से स्वयं को कोयतूर कहने लग रहा है और अपनी भाषा संस्कृति को आत्मसात करने की विकास की राह पर चल पड़ा है। इसी समय दादा हीरा सिंह मरकाम भी आचार्य मोतीरावन कंगाली जी से जुड़ गए। फिर क्या था, हीरा मोती के नाम से मशहूर जोड़ी ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसका राजनीतिक नेतृत्व दादा हीरा सिंह मरकाम ने किया।
इस गोंडवाना आंदोलन के तहत बहुत सारे धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक सभाएं होने लगी, जिसमें आचार्य मोतीरावन कंगाली जी बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे और महाराष्ट्र सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और में गोंड जनजातियों के चहेते बनते गए। इस दौरान उन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ लेखन का कार्य भी जारी रखा और बहुत सारी साहित्य तैयार करना शुरू कर दिया। आचार्य मोतीरावन कंगाली जी को बखूबी पता था कि बिना सांस्कृतिक चेतना के गोंड परंपराएं को बचाए रखने का आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए उन्होंने राजनीतिक आंदोलन से अपने आप को अलग करके सांस्कृतिक जागरण पर सोचना शुरू किया और वर्षों से मृत प्रायः कोया पुनेम को फिर से खड़ा करने का संकल्प लिया। अपने शोधों के आधार पर उन्होंने पारी पांधी कुपार लिंगो कोया पुनेम दर्शन पुस्तक का स्वयं प्रकाशन किया और लोगों तक पहुंचाया। उनकी धर्म पत्नी तिरुमा चंद्र लेखा कंगाली बताती हैं कि आचार्य मोतीरावन कंगाली ने कोया पुनेम दर्शन पुस्तक की बहुत सारी प्रतियां छपवा ली थी और लोगों को मात्र कुछ पैसों में या फ्री में ही बांट देते थे। एक समय तो ऐसा भी आया कि लोग मुफ्त में मिली हुई पुस्तक का महत्व नहीं समझे और रद्दी वालों के हाथ बेच दिया करते थे। कई बार तो कंगाली साहब स्वयं अपनी किताबों को रद्दी वालों के पास देखते थे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और न ही दुखी हुए। वे कहा करते थे कि एक न एक दिन लोग कोया पुनेम और उनके महत्व को जरूर समझेंगे। बताते चले कि कोयतु लोग श्रमण परंपरा के प्राचीन जनजातीय कबीले हैं जो अपनी कोया पुनेम को कभी लिखित रूप में नहीं लाए, बल्कि उनका कोया पुनेम उनके नृत्य, पाटा, गायन, कला, नेंगसेंग द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है और कभी भी उसे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आधुनिक समय में लोग अपनी परंपराओं को पहले की तरह पालन नहीं करते और पहले की तरह गोटुल भी नहीं रहे, इसलिए आज बिना लिखे हुए इतने बड़े समाज में कोया पुनेम फिर से स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने 1989 में कोया पुनेम दर्शन को लेकर बहुत खोजबीन की। गहन शोध और अध्ययन के बाद उन्होंने इसे लिपिबद्ध और प्रकाशित किया। आज यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि इसके 5 संस्करण आ चुके हैं। ये है चंद्रलेखा कंगाली जी। तिरुमाय चंद्रलेखा कंगाली जी यह बताती है कि जब उनकी डॉक्टर मोतीरावन कंगाली जी पुस्तक कोया पुनेम दर्शन के नाम से प्रकाशित हुई तो लोगों ने बहुत विरोध किया और कहा कि हम लोग गोंड हैं, हमारा गोंडी पुनेम होना चाहिए। यह विरोध इसलिए था कि अभी तक लोग कोयतूर और कोया पुनेम के विस्तार से परिचित नहीं थे, इसलिए वे गोंड और गोंडी पुनेम को ही चाहते थे। इसकी वजह यह है कि पूरा आंदोलन गोंड बाहुल क्षेत्रों तक ही सीमित था। इस विरोध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पुस्तक का दूसरा संस्करण गोंडी पुनेम दर्शन के नाम से वर्ष 1994 में प्रकाशित किया, जिसमें केवल मुख्य पृष्ठ पर पुस्तक का नाम बदला था, लेकिन अंदर का सब कुछ कोया पुनेम का ही था। यह विधि काम आई और लोगों को पुस्तक स्वीकार्य हो गई और सारी की सारी प्रतियां बिक गई। इसके बाद से इस पुस्तक के सभी संस्करण कोया पुनेम दर्शन के नाम से ही प्रकाशित हो रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। आचार्य मोतीरावन कंगाली का जी का यही प्रयास रंग लाया। लोगों को अपने मूल धर्म और संस्कृति को जानकर उससे पुनः जुड़ने का मौका मिला। गोंड कोयतूरों में अपनी सांस्कृतिक परंपरा के समतामूलक जीवन दर्शन के प्रति जागरण लाने और उसमें कोया पुनेम को पुनः स्थापित करने का पूरा श्रेय आचार्य मोतीरावन कंगाली को जाता है। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर बहुत सारी पुस्तकों का लेखन प्रकाशन किया। ऐसे समय में जब कोयतूर संस्कृति, कोया भाषा, कोया पुनेम मृत प्राय हो चुका था, तब डॉक्टर मोतीरावन कंगाली जी ने गोंडी में इन विषयों को फिर से जीवित किया। वे हमेशा कहते थे कि उनका यह प्रयास पर्याप्त नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को इस कार्य को आगे बढ़ाना होगा और कोयतूर समूह की अन्य जातियों और जनजातियों को उनकी मूल धर्म संस्कृति से जोड़ना होगा। उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और वह पुस्तकें कुछ इस तरह हैं। आचार्य मोतीरावन कंगाली जी का रचना संसार, कोराड़ीगर की तिलकादाई, पांधी पारी कुपार लिंगो प्रकाशन नागपुर 1987, डोंगरगढ़ की बमलाई दाई, गोंडों का मूल निवास स्थल,
कुंवारा भीमाल पेंता इतिहास, गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास, गोंडी श्लोक गोंडी लिपि परिचय, गोंडीवाणी का पूर्वोतिहास, गोंडी नृत्य का पूर्व इतिहास, कोया भिड़ीता गोंड सगा भी डार, गोंडी लम्क, गोंडी भाषा शब्दकोश, गोंडी भाषा शब्दकोश भाग दो, गोंडी भाषा सीखिए, कोया पुनेमता सार, पारी पांधी कुपार लिंगो कोया पुनेम दर्शन, गोंडी लिपि परिचय, गोंडवाना गढ़ दर्शन, गोंडी व्याकरण, गोंडवाना कोट, सेंधवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन, मुंडारा तापी नदी की पौराणिक गाथा, वृहत हिंदी गोंडी शब्दकोश, चांदागढ़ की महाकली कंकाली, बस्तरगढ़ की दंतेवाड़ी नवेंदाई दंतेश्वरी, मराठी गोंडी शब्दकोश, गोंडी व्युत्पत्तिमूलक शब्दकोश, डॉक्टर मोतीरावन कंगाली द्वारा लिखे साहित्य से समस्त कोइतूर समाज को एक सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक दिशा मिली और आशा की जाती है कि अन्य जातियों और जनजातियों को जो कोइतूर समाज से किसी कारण अन्य धर्मों के प्रभाव में चली गई है पुनः अपनी मूल सांस्कृतिक विरासत और जीवन दर्शन को अपनाएगी और कोइतूर भारत के सपने को हकीकत में स्थापित करने में सक्षम हो सकेगी। एक लेखक, समाजशास्त्री, विद्वान, भाषाविद के साथ साथ आचार्य मोतीरावन कंगाली जी एक चित्रकार, हस्त शिल्पी और कलाकार भी थे। उनकी बनाई हुई बहुत सी काष्ठ शिल्प और हस्तशिल्प कलाकृतियाँ उनके ड्राइंग रूम में देखने को मिल जाती है। वे बहुत अच्छे और सुरीले गायक भी थे। गोंडी पाटा गीत के सुरों की उन्हें अच्छी पहचान और पकड़ थी। उन्होंने अपने लेखन में इन गोंडी पाटाओं का अनेक जगहों पर प्रयोग किया है। आचार्य मोती रावण कंगाली जी शुरू से ही साहित्यिक मंचों और संगठनों के अहम हिस्सा हुआ करते थे। वर्ष 1975 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर आदिम भाषा साहित्य संशोधन मंडल की नींव डाली, लेकिन इसके पहले ही वे आदिवासी विद्यार्थी संघ नागपुर से वर्ष 1967 से जुड़ गए थे। और जब 1976 में सरकारी नौकरी में आए तब से आदिवासी कर्मचारी संगठन से जुड़ गए। वर्ष 1988 में वे अखिल गोंडवाना गोंडी साहित्य परिषद के महासचिव बने। बाद में पारी कुपार लिंगो प्रकाशन नागपुर के केंद्रीय प्रबंध समिति के महासचिव भी रहे हैं। बाद में वे अखिल गोंडवाना गोंडी साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी रहे। कचारगढ़ की सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत। आचार्य मोतीरावन कंगाली के गुरु केशव बानाजी मर्सकोले, जो कचारगढ़ के पास ही गांव महारू टोला के रहने वाले थे, ने सबसे पहले उन्हें आचार्य मोतीरावन कंगाली को इस गुफा के बारे में बताया। उस गुफा में पहले वहां के स्थानीय गोंड निवासी गोंगो पूजा पाठ करने उस गुफा में जाया करते थे। तब आचार्य मोतीरावन कंगाली जी ने इस बारे में काफ़ी अध्ययन किया और बहुत सारे प्रमाण जुटाए और इसके बारे में अपने सहयोगी को बताया। इस गुफा के बारे में बहुत से अंग्रेज लेखकों ने काफ़ी पहले वर्णन किया है और इसके धार्मिक महत्व को बताया है। वर्ष 1980 में आचार्य मोतीरावन कंगाली के नागपुर आवास पर गोंडवाना बैंक की अवधारणा देने वाले तिरुमाल केशव बानाजी के वी मर्सकोले और भोपाल में गोंडवाना दर्शन के संपादक सुनहर सिंह ताराम मिले और तीनों ने कचारगढ़ की पहली यात्रा की और अगले कुछ वर्षों में कचारगढ़ को कोइतूर गोंडों की धार्मिक स्थान के रूप में चिन्हित किया। इसी क्रम में वर्ष 1984 की माघ पूर्णिमा के दिन इन तीन लोगों के साथ दो अन्य लोग, तिरुमाल भरत लाल कोराम और गोंडवाना मुक्ति सेना के सर सेनापति शीतल कौडू मरकाम ने पहली बार गुफा की धार्मिक यात्रा शुरू की। इस वर्ष से ये पहला कार्यक्रम हुआ और केवल यही नहीं, यही पांच लोग टेंट में रहे और पत्रिका गोंडवाना दर्शन में इस यात्रा और मेले का विस्तार में प्रचार किया गया। और वर्ष 1986 में फिर दादा हीरक सिंह मरकाम भी इस यात्रा से जुड़े। फिर धीरे धीरे हर साल माघ पूर्णिमा के दिन कई प्रदेशों में कोइतूर लोग इस यात्रा कछारगढ़ यात्रा में भाग लेने लगे। इस प्रकार 1984 में केवल तीन लोगों द्वारा शुरू किया गया इस यात्रा में आज 40 वर्षों के बाद लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। आज यह सांस्कृतिक आंदोलन आसपास के कई राज्यों की कई राजनीतिक सीटों की दिशा और दशक तय करने लगा है।
इस यात्रा का श्रेय ऊपर वर्णित चार अन्य लोगों के साथ आचार्य मोतीरावन कंगाली जी को जाता है और उनकी धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन की दिशा में सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जो हजारों वर्षों से खोए कोया पुनेमी इतिहास को फिर से स्थापित कर देती है। इस क्रम में आचार्य मोतीरावन कंगाली जी ने कोयतुरों के उत्पत्ति स्थान अमूरकोट में भी तिरुमाल हीरा सिंह मरकाम के साथ मिलकर एक बड़े मेले का आयोजन प्रारंभ किया था, जहां हर वर्ष 14 जनवरी को लाखों की संख्या में कोयतुर आते हैं और अपनी पारंपरिक मान्यताओं को पूर्ण करते हैं। इस मेले में कई प्रांतों से आए गोंड कोयतुर अपने मूल माता पिता के रूप में आंधी रावेन पेरियोल और आंधी सुखमा पेरी की गंगो नर्मदा के उद्गम स्थल पर करते हैं और अपने पुरखों के प्रति प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लाखों कोयतुरों में अपने कोया पुनेम और अपने सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति आस्था विश्वास दिलाने के लिए आचार्य मोतीरावन कंगाली जी को हमेशा याद किया जाता रहेगा। इसी क्रम में आचार्य मोतीरावन कंगाली जी ने गोंड कोयतुरों के धार्मिक स्थलों को हिंदुओं के कब्जे से मुक्त कराया। हिंदुओं ने गोंड पुरखों के बदले अपने देवी देवताओं को स्थापित कर रखा था। डॉक्टर कंगाली जी ने इस विषय पर भी कार्य किया और आम जनमानस में कई किताबें लिखकर इन देवी स्थानों की सच्चाई को सबके सामने ले आए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण देवी स्थान जैसे डोंगरगढ़ की बम्लेश्वरी दाई, बस्तर की दंतेश्वरी दाई, करौड़ीगढ़ की तिलका दाई और चांदागढ़ की कली कंकाली दाई के बारे में उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। गोंडी दर्शन संस्कृति के क्षेत्र में उनके कार्य को आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर यह कार्य जल्दी नहीं किया जाए तो शीघ्र ही गोंडवाना में आई सांस्कृतिक जागृति फिर से सुप्त अवस्था में चली जाएगी। गोंडी दर्शन और धर्म कोया पुनेम को स्थापित और प्रचारित करने के लिए उन्होंने भूमका पुरोहित महासंघ की परिकल्पना की और उसका प्रचार प्रसार शुरू किया, जिसके बाद वे तिरुमाल रावेन शाह इनवाती को सौंप कर खुद लेखन में व्यस्त हो गए। आज भूमका महासंघ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में अपने भूमिकाओं को प्रशिक्षण देकर कोया पुनेम की स्थापना और प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय हैं। उनकी पत्नी तिरुमाला चंद्रलेखा कंगाली स्वयं एक समाजशास्त्री और विद्वान लेखिका है, जिसके साथ मिलकर उन्होंने गोंडवाना के सांस्कृतिक इतिहास को दुनिया के सामने ले आया और गोंडवाना के प्राचीन गौरव को कोयतुर जान पहचान सके। गोंडी भाषा के क्षेत्र में उन्होंने अनेक कार्य किया और गोंडी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने में अपना पूरा समर्थन और सहयोग भी दिया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी प्राचीन भाषा जिसे बोलने वाले करोड़ों की संख्या में है, जिसका अपना सुंदर व्याकरण और लिपि है, उसे भारत सरकार की अनदेखी झेलनी पड़ रही है। और इतने संघर्षों और आंदोलनों के बाद भी गोंडी भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिल रहा है। गोंडी भाषा को लेकर आचार्य मोतीरावन कंगाली जी बहुत चिंतित रहते थे। वे कहते थे कि भाषा के बिना किसी भी संस्कृति के अंदर नहीं उतरा जा सकता, और अगर किसी संस्कृति को नष्ट करना हो तो उसकी भाषा को ख़त्म कर दो। इस देश में गोंडी भाषा के साथ यही हो रहा है। अगर गोंडी भाषा ही नहीं रहेगी तो गोंडवाना की कल्पना बेमानी हो जाएगी और प्राचीन गौरवशाली संस्कृति और उसके मानने वाले लोग भी एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। यह एक चिंता का विषय है जिसे सरकारों को समझना चाहिए और गोंडी भाषा संस्कृति को सहेजने और संवारने के प्रयास करना चाहिए। कोयतुर अपनी सांस्कृतिक विरासत में गायन, वादन, नृत्य और कला को बहुत महत्व देते हैं और यही संस्कृति गोंड कोयतुरों की पहचान भी है। तरह तरह के तीर्थ त्योहारों को मानने के पीछे भी अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने का अर्थ छिपा होता है। आचार्य कंगाली जी हर एक उस सांस्कृतिक तीर्थ त्योहार में शामिल होने का प्रयास करते थे जो कोयतुर परंपराओं को आगे ले जाता था। इसी क्रम में वे कई राज्यों में अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाते रहते थे। ऐसे ही एक कार्यक्रम में 23 अक्टूबर 2015 को उनका भोपाल आना हुआ और वह कार्यक्रम उनकी ज़िंदगी का आखिरी कार्यक्रम साबित हुआ। उसके दूसरे दिन शाम को वे हमारे घर पर खाने पर आमंत्रित थे और कोयतुर धर्म संस्कृति पर उनसे लंबी वार्ता हुई। 28 अक्टूबर 2015 की सुबह वे भोपाल के गोंड राजा निजाम शाह और रानी कमलावती के गिन्नौरगढ़ किले को देखने गए, जो कि विंध्याचल पहाड़ियों पर काफ़ी ऊंचाई पर है। वहां से लौटने पर उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की और उस दर्द की स्थिति में ही कुछ दवाइयां खाकर ट्रेन से नागपुर निकल गए। 29 अक्टूबर को वे घर पर ही आराम किए और
सबसे बातचीत करते रहे, लेकिन 30 अक्टूबर को सुबह 6 बजे उन्हें सीने में फिर तकलीफ हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 30 अक्टूबर 2015 को सुबह 9:30 9:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई और उसी दिन ही सभी को उनके असमय दुनिया छोड़कर चले जाने का दुखद समाचार मिला। इस तरह एक महान लेखक, विद्वान, भाषाविद, समाज साथी, शिल्पी, समाजसेवी हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया और अपने पीछे अपने चाहने वालों की असंख्य भीड़ छोड़ गया। उनके जाने के बाद गोंडवाना के साहित्य के क्षेत्र में जो निर्वाद बना, जो आज तक नहीं भरा जा सका है, उनके कार्यों को आगे ले जाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वे अक्सर कहा करते थे, मैंने गोंडवाना के विशाल और भव्य सांस्कृतिक महल की केवल नींव भरी है। इस पर दीवारें, मीनारें, छत खड़ा करने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों की होगी। अगर जल्दी ही गोंडवाना की युवा पीढ़ी इस नींव पर अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई इमारत नहीं खड़ी कर सकी तो अन्य धर्मों के लोग मेरी भरी हुई नींव से ईंट पत्थर निकालकर अपनी अलग इमारत खड़ी कर देंगे। पूरे विदर्भ और गोंडवाना में उनकी महापरिनिर्वाण दिवस को बड़े सम्मान और आदर के साथ मनाया जाता है और गोंडवाना आंदोलन में उनके योगदान को याद किया जाता है और उनके प्रति संवेदना श्रद्धांजलि के साथ कृतज्ञता भी व्यक्त की जाती है। इस अवसर पर जगह जगह अनेक सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाते हैं, जिसमें गोंडवाना के विविध नृत्य, गीत, संगीत, कला का प्रदर्शन किया जाता है। नागपुर, भोपालपुर, रायपुर आदि बड़े शहरों में आचार्य मोतीरावन कंगाली जी व्याख्यामाला का भी आयोजन होता है। संपादन नवल सिद्धार्थ। डॉक्टर मोतीरावन कंगाली, नाम मोती राम छतीराम कंगाली था। 1985 में उन्होंने अपना नाम मोतीरावन कंगाली रखा, जो बाद के दिनों में अपभ्रंश होते होते मोती रावण कंगाली हो गया। डॉक्टर कंगाली ने इसी नाम से अपने पुस्तकों की रचना की है। प्रथम मानव पुरुष, ये संदर्भ है। सादर सेवा जोहार सगाजन।